आजमगढ़ में ईद को लेकर जिले में 3,500 पुलिस फोर्स, एक कंपनी रैफ व 3 कंपनी पैक की गई तैनात, एसपी ने दी जानकारी। आजमगढ़ में ईद को लेकर प्रशासन लगातार चौकसी बरत रहा है। इसी क्रम में आज शाम को आईजी अखिलेश कुमार, डीएम विशाल भारद्वाज, एसपी अनुराग आर्य, एडीएम प्रशासन अनिल कुमार मिश्र, अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल समेत अन्य अधिकारियों के नेतृत्व में शहर क्षेत्र में पुलिस व पीएसी फोर्स ने फुट मार्च किया। इस दौरान संवेदनशील और अतिसंवेदनशील क्षेत्रों का निरीक्षण कर भौगोलिक स्थिति का जायजा लिया गया और लोगों को सुरक्षा का संदेश भी दिया गया। इस दौरान डीएम विशाल भारद्वाज ने कहा कि जनपद में नगर निकाय चुनाव के साथ ही ईद का पर्व है, इसको लेकर भौगोलिक स्थिति का भी जायजा लिया गया। इसके साथ ही साफ सफाई, अतिक्रमण, बिजली, पेयजल और अन्य व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया गया। लोगों से मीटिंग भी की गई थी। ज्यादातर समस्याओं का हल निकाल लिया गया है, जो अन्य समस्याएं बाकी रह गई है उनको भी आज शाम तक सुलझा लिया जाएगा। वहीं पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। जनपद में करीब 3,500 पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। इसके अलावा एक कंपनी आरएएफ व 3 कंपनी पीएसी को भी लगाया गया है। साथ ही डायल 112 की ड्यूटी भी संवेदनशील अतिसंवेदनशील इलाकों पर लगातार लगाई गई है। उन्होंने कहा कि एलआईयू और इंटेलिजेंस यूनिट लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। कल अलविदा जुमे की नमाज और ईद की नमाज को लेकर 8 मार्च किया गया है। इससे पूर्व शांति समिति की बैठकों के साथ ही सभी धर्म गुरुओं के साथ भी बैठक कर बातें की गई है। आगामी जो हमारे त्यौहार हैं, अलविदा की कल नमाज होगी, फिर ईद होगा और नगर निकाय चुनाव है, इनको लेकर हम लोगों ने जो महत्वपूर्ण स्थल हैं, कार्यक्रम स्थल हैं, उनका आज निरीक्षण किया है और सुरक्षा व्यवस्था, साफ सफाई, पेयजल और अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई है। कुछ थोड़े काम बाकी हैं, वो आज रात तक पूरे हो जाएंगे। इसके निर्देश नगर पालिका को और अन्य संबंधित विभागों को दिए गए। हाँ, वही जितने भी हमारे महत्वपूर्ण स्थल हैं जहाँ कार्यक्रम होंगे कल और फिर ईद के दिन, ये उनका निरीक्षण किया गया है और जो भी वहाँ पे जो तत्की सुरक्षा के और अन्य व्यवस्थाओं के जो कार्य होने हैं उनको, काफ़ी काम हो चुके हैं, कुछ काम बाकी हैं, वो आज रात तक पूरे हो जाएंगे। सर, कल अलविदा की नमाज है, किस तरह के सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं? आगामी अलविदा की नमाज और जो ईद की नमाज होगी उसको दृष्टिगत रखते हुए पुलिस का डिप्लॉयमेंट कर लिया गया है। लगभग 3,500 की संख्या में पुलिस बल अलग अलग जगह पर डिप्लॉयड रहेगा। 112 की जो गाड़ियां हैं उनको संवेदनशील और अतिसंवेदनशील क्षेत्रों में ऑलरेडी उनका ड्यूटी चार्ट तैयार कर लिया गया है। इसके साथ साथ एक कंपनी आरएएफ और 3 कंपनी पीएसी है जो अलग अलग जगह पर डिप्लॉयड रहेगी। सादे कपड़ों में ड्यूटियां, रूफटॉप ड्यूटियां, इंटेलिजेंस के जो एलआईयू के हमारे लोग हैं उनकी ड्यूटी अलग अलग जगह पर लगाई गई हैं और धर्मगुरुओं के साथ पीस कमेटी की बैठक कर ली गई है। सबके द्वारा आश्वस्त किया गया है कि जो शासन के निर्देश हैं और जो परंपरागत आयोजन है सिर्फ वही किए जाएंगे। ड्रोन से भी हम लोग निगरानी कर रहे हैं और जितने भी सेंसिटिव एरिया हैं, जितने भी ऐसी जगह हैं जहाँ नमाज पढ़ी जाएगी, वहाँ पुलिस बल के द्वारा भ्रमण किया गया है। सब जगह ड्यूटियाँ लगाई जाएंगी और अच्छे तरीके से, सकुशल तरीके से त्यौहार को संपन्न कराया जाएगा।